दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इस उलझन में रहते हैं कि क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता। हम सभी अपने सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने आसपास के लोग ये बोल देते हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमें अपने ऊपर शक पैदा होने लग जाता है, हमारे भीतर एक उलझन सी चलती रहती है कि अरे क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर एक सफल व्यक्ति मैं बन नहीं सकता हूँ। यह जो लोग मेरे बारे में कहते हैं, क्या वो सही कहते हैं या फिर ये सब गलत है। तो आइए आज मैं आपकी इस उलझन को सुलझा देता हूँ। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको यह बताती है कि आप एक सफल इंसान बनोगे या फिर नहीं बनोगे। बस आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। इन बातों को सुनकर आप अपना स्वयं का पता खुद लगा सकते हो। लोगों की बातें सुनकर खुद को जज करोगे तो असफल ही रह जाओगे। लोगों का क्या है, लोग तो कभी आपके बारे में आपको सच नहीं बताएंगे। लोगों का तो काम ही दूसरों को नीचा दिखाने का होता है। अगर आप अच्छा भी करोगे तब भी वो आपके अंदर कमियां ही निकालेंगे। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने अच्छा किया है। एक बार की बात है, एक नगर में रामू नाम का युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ा परिश्रम भी करता था। उसका सपना था कि वो नगर के बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की तरह बने, नगर के सब लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। रामू अपने सभी कार्य को पूरी मेहनत, लगन व ईमानदारी के साथ पूरा करता था। वो सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता और अपने कार्य में लग जाता। वैसे तो रामू का परिवार गरीब था, लेकिन रामू का सपना था कि वो एक सफल इंसान बने, उसे किसी भी तरह की किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। ये सोचकर वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता था। वो अपने सभी कार्यों को समय पर ही पूरा कर लिया करता था। वो कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालता था। जो भी कार्य करने का वो निश्चय करता, वो उसे पूरा करके ही छोड़ता। कभी किसी कारणवश अगर उसका समय बर्बाद भी हो जाता तो उसे बहुत ही पछतावा होता, क्योंकि वो कभी भी बिना काम के अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो कभी भी किसी भी कार्य में आलस नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता। अगर कोई उसे अपनी परेशानी बताता तो वो उसका हल कर देता था। लेकिन रामू के आसपास के लोग उससे अक्सर यही कहते थे कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में तू गरीब का गरीब ही मरेगा। लोगों की बातें सुनकर रामू की हिम्मत टूटने लगती, वो अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन फिर जब रामू सफल लोगों को देखता तो उसके मन में फिर से इच्छा जागृत हो जाती, वो अपना कार्य फिर से करने लग जाता। पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें रामू के मन में चलती रहती। वो यही सोचता रहता, क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही है, क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता हूँ। एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ज्ञानी थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। ये देखकर रामू ने निश्चय किया कि वो भी बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या के बारे में पूछेगा, अपनी उलझन के बारे में पूछेगा कि वो सपना देख रहा है, क्या वो उसमें सफल हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्या लोग उसके बारे में कहते हैं, क्या वो सच है। यही सोचकर वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं एक बहुत ही बड़ी उलझन में हूँ। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं। मैं बहुत मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग अक्सर मुझे यही कहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। महाराज, क्या वो लोग सही कहते हैं? आप ही मेरी इस उलझन को दूर कर सकते हैं। रामू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, तुम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम सफल व्यक्ति बनोगे या फिर नहीं बनोगे? यह सुनकर रामू बोला कि मैं इस उलझन में रहता हूँ महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रामू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं तुम्हें आज ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो लोग सही कहते होंगे। लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को पहला लक्षण बताते हैं, वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं,
अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत ही प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करवा देता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, उसे समय बर्बाद कर देता है। और समय तो सभी मनुष्यों के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे समय सफलता की तरफ लेकर जाता है। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओ कि तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे लिए इस जीवन में, इस संसार में धन से बढ़कर अगर कुछ है तो वह तुम्हारा समय है, तो फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। समय बड़ा बलवान है, सारा खेल समय का ही तो है। क्योंकि हम लोग सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास धन नहीं है तो एक न एक दिन हम धन हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमने समय को खो दिया तो हम चाहे कुछ भी कर ले, उसे वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, यह किसी के रोकने से नहीं रुकता। तुम चाहे कुछ भी करो या फिर ना करो, मगर समय तो अपना काम करता रहेगा। अगर तुम भी समय के साथ साथ अपना कार्य करते रहोगे तो तुम भी सफलता की तरफ बढ़ते रहोगे और सफलता को हासिल करोगे। समय एक अनमोल धन है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इसे बर्बाद करोगे तो तुम खुद भी बर्बाद हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को दूसरा लक्षण बताते हैं, सीखने से प्यार। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, अगर तुम हर जगह, हर पल, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखते हो, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हो। मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो तब भी तुम्हारे को अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे फिर बुरा हो या फिर अच्छा हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। मान लो आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो और अपनी असफलता से कुछ न कुछ सीख रहे हो, और फिर उन्हीं सीखी हुई बातों को अपने कार्य में उपयोग में ले रहे हो, तो फिर तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम एक बार असफल हो जाते हैं और दूसरी बार उस कार्य पर काम करते हैं, तो हमें पता रहता है कि हम पहले किस वजह से फेल हुए थे, फिर हम बाद में उस गलती को नहीं दोहराते। यानी हमने असफलता से ही सफलता का राज सीखा है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है और तुम उसको मुसीबत ना समझकर उससे कुछ सीखने का हुनर रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति में सीखने वाला गुण है, तो यह गुण तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी माँ के गर्भ से सीखकर पैदा नहीं होता, सभी को संसार में ही सीखने को मिलता है और सभी यही आकर सीखते हैं। और जिस मनुष्य में हर परिस्थिति में सीखने का गुण है, वो हमेशा सफल बनता है। फिर वो बौद्ध भिक्षु रामू को तीसरा लक्षण बताते हैं, लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है कि मुझे अपने जीवन में ये काम करना है और मेरा बस यही लक्ष्य है, अगर तुम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हो कि मैं 3 साल तक या जब तक मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा और एक दिन वहां जरूर पहुंच जाऊंगा, और फिर तुम अपने उस कार्य को, उस सपने को पूरा करने के लिए हर पल हर दिन कार्य करते हो कि मुझे बस अपना सपना पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूँगा, मेरे सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा और मैं लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा, मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहूंगा, मैं मरते दम तक अपने कार्य को पूरा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर अपने कार्य के प्रति इतनी लगन है, तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को चौथा लक्षण बताते हैं, परेशानी का हल निकालना। फिर बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी आती है और तुम उस परेशानी से घबराते नहीं हो, बल्कि समस्या का समाधान खोज लेते हो, तो सफलता की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो। मान लो कोई तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया और अगर तुमने उसकी परेशानी का हल उसे बता दिया, उसकी मदद की,
मतलब आप में वो बात है, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल देते हो तो आप सफलता के बहुत ही करीब हो। और जो व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को हर मुसीबत से निकालना जानता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु रामू को पांचवा लक्षण बताते हैं, सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो और तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ताजगी व ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें आलस भी नहीं आता है, ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपने कार्य को ठीक तरह से कर पाते हो। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है, मगर तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सही समय पर सो जाओ। अगर तुम रात को समय पर सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें अपने आप को यह महसूस होता होगा कि तुम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो और तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता होगा, जिससे तुम हर दिन अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को छठा लक्षण बताते हैं, लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हो, कभी हार नहीं मानते, चाहे आप सफल हो या फिर असफल हो, यानी तुम्हारा कार्य करने का मन हो या फिर नहीं हो, पर फिर भी तुम निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहते हो, कभी रुकते नहीं। मान लो अगर आप असफल हो गए तब भी आप नहीं रुकते, बार बार निरंतर प्रयास करते हो, हर हालत में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। अगर आपको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है कि मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और यही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते हो तो एक दिन अवश्य आपको सफलता मिल जाएगी, आपको सफल बनाएगी। लगातार बिना रुके परिश्रम करना ही सफलता की निशानी है। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को सातवां लक्षण बताते हैं, अकेले रहना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, अगर तुम अकेले रहते हो, शांत रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो तो तुम बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपको शांत रहना पसंद है, ताकि जो तूफान तुम्हारे अंदर उठा है, तुम्हारे मन में उठा है कि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे तुम अकेले व शांत रहकर आसानी से पूरा कर पाते हो। अगर तुम लोगों से कुछ भी नहीं बोलते और न ही लोगों को यह दिखाते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तुम तो बस शांतिपूर्वक अपना कार्य करते रहते हो, क्योंकि अकेला व शांत रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जान पाता है और उस पर अच्छे से कार्य भी कर पाता है, उसके मन में हमेशा सकारात्मक भावना रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, अगर ये सात गुण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर रामू कहता है, महाराज आपने मेरी सारी उलझन दूर कर दी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।